हम आज आपको जापान के कुछ खास प्रथाओं के बारे में बताने जा रहे हैं। जैसे कि क्या आपको पता था कि जैसे इंडिया में गलत जगह या नो पार्किंग में गाड़ी पार्क करने पर आपको जुर्माना या चलन भरना पड़ता है, वहाँ एक जुर्माना एक साइकिल के लिए भी लागू है। तो सोचिए, ऐसी ही कुछ जापान से जुड़ी चौंकाने वाली और कुछ बातें हैं जो हम आपको इस वीडियो द्वारा आपको बताने वाले हैं। तो शुरू करने से पहले हमारे चैनल से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारी चैनल आस्क ए गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जापान के स्कूल्स, कॉलेजेस और अन्य शिक्षण संस्थाओं में कोई भी सफाई करने वाला कर्मचारी यानी कि क्लीनिंग स्टाफ अपॉइंट ही नहीं होता है। यहाँ कुछ स्टूडेंट्स ही अपने शिक्षण संस्थाओं की साफ सफाई के लिए जिम्मेदार होते हैं और यह अनिवार्य यानी कि कंपलसरी भी है। वैसे देखा जाए तो अगर गंदगी फैलाने वाले को ही सफाई करने लगाया जाए तो शायद गंदगी भी कम ही होगी। जापान में चोरियां होती ही नहीं, वहाँ दुकानों में या कैश काउंटर्स में कोई पैसा लेने वाला होता नहीं है। सारा काम वेंडिंग मशीन द्वारा ही होता है। वहाँ शायद ये संभव है, लेकिन शायद अन्य देशों में नहीं, जहाँ सिक्योरिटी गार्ड्स, मैनेजर्स और सीसीटीवी कैमरास के होते हुए भी दिन दहाड़े चोरियां होती है। जापान में मेट्रो स्टेशन पर भीड़ के समय बहुत लोग नजर आते हैं और इन लोगों को ट्रेन के कर्मचारी ट्रेन में धक्का देके ट्रेन का दरवाजा बंद कर देते हैं और इन्हें ट्रेन पुशर्स कहते हैं। इस बात के लिए इन्हें मोटी तनख्वाह भी मिलती है। जापान में हर स्पीड से चलने वालों के लिए अलग लेन्स है, इसे कहते हैं ट्रैफिक मैनेजमेंट। यहाँ तो सीनियर सिटीजन को भी घंटों लग जाते हैं एक लेन से दूसरे लेन में क्रॉस करने के लिए और कई तो दुर्घटना के भी शिकार हो जाते हैं। जापान के लोग बहुत ही हाइजीन कॉन्शियस होते हैं, इतने के वो टैक्सी का दरवाजा भी हाथ से छूना पसंद नहीं करते, इसीलिए यहाँ टैक्सी के दरवाजे ऑटोमेटिक खुल जाते हैं बिना छुए। जापान के रास्ते साफ करने वाले कर्मचारियों को रास्ते पे छोटे छोटे चिमटी यानी कि टोंग्स यूज करने पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ दिखने जैसा कचरा होता ही नहीं, उन्हें कचरा ढूंढ ढूंढ कर साफ करना पड़ता है। जैसे पहले देखा हमने, जहाँ स्कूल कॉलेजेस में बच्चों को सफाई का इतना सख्त पाठ पढ़ाया जाता है कि वहाँ भला साफ सफाई तो तगड़ी होनी ही चाहिए। यहाँ स्वच्छ भारत अभियान के नारे भी पान गुटखा खाने वालों के बहरे कानों तक पहुँचते नहीं। आखिर भगवान की तस्वीरें लगानी पड़ती है जिसपे लोग गंदगी फैला ना दे। जापान में गाड़ी खरीदने से पहले आपको ये प्रूफ करना पड़ता है कि आपके पास पार्किंग की जगह है। आप ये सब सुविधाओं को देखकर सोच रहे होंगे कि भाई जापान ही चले जाए, लेकिन क्या आपको पता है कि जापान में सबसे ज्यादा डेथ की वजह क्या है? सुसाइड्स। लोग यहाँ अपनी जान लेने पे ही मजबूर हो जाते हैं। ये बात कुछ हजम नहीं हो रही, लेकिन वहाँ ऐसा ही है। यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अगर आप मोबाइल का इस्तेमाल करें बात करने के लिए तो फाइन लगता है। क्यों चौंके? जापान में लोग कहीं भी सोने में हिचकिचाते नहीं हैं, और क्यों नहीं, हर जगह साफ, न चोरी होती है और ट्रेन में भी सफर करते वक्त कोई फोन पे जोर शोर से बोलता नहीं, तो चैन से सो ही सकते हैं। जापानीज लैंग्वेज को दाएं से पढ़ो या बाएं से पढ़ो, एक ही अर्थ निकलता है। ये कैसे होता है, इसके लिए तो शायद जापानीज ही सीखनी पड़ेगी। जापान में अगर आप शराब पी के गाड़ी चलाते हुए पकड़ा गए तो आपको सिर्फ पैसों का फाइन नहीं भरना पड़ता, बल्कि यहाँ के ट्रैफिक पुलिस बहुत ज्यादा अपने तरीके से इनको सताते हैं, जिससे वो ये गलती फिर ना करे। तो दोस्तों, ये थी जापान से जुड़ी कुछ चौंका देने वाली और कुछ प्रेरणा लेने वाली बातें। हमारा देश वैसे दोस्तों किसी से कम नहीं है, लेकिन अगर हम कुछ बातों में जरा सा बदलाव लाए तो इस देश की तरक्की आसमान छू लेगी। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगले वीडियो तक के लिए अलविदा दोस्तों, धन्यवाद।